रिलायंस कैपिटल जो है फिलहाल यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सचेंज से जो है डीलिस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल टू बी डीलिस्टेड फ्रॉम एक्सचेंजेस। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने रिलायंस कैपिटल में उनका पैसा लगा के रखा है। तो अगर आपने देखा है तो जितने हम लोगों ने जो भी वीडियोस बनाए रिलायंस कैपिटल फिर अनिल अंबानी के कंपनीज को लेकर, तो बहुत बार आपके साथ डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है कि अनिल अंबानी की कंपनी में ज्यादा अमाउंट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी अगर देखते हैं तो ज्यादातर कंपनी जो है उसमें इंसॉल्वेंसी में चल रहा है। तो रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा फिलहाल चल रहा है। तो रिलायंस कैपिटल का जो है आप देख सकते हैं कि रिलायंस कैपिटल जो इन लोगों ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि ये जो है अप्रूव जो रेजोल्यूशन प्लान है ये अप्रूव हो चुका है, जहां पे कंटेम्पलेटिंग डीलिस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द एक्सचेंजेज। मतलब जो भी इक्विटी शेयर्स है एग्जिस्टिंग, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है उनका जो शेयर है वो डीलिस्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो शेयर है उसमें कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पे इन एन एक्सचेंज फाइलिंग अनाउंस्ड दैट द एनसीएलटी इन इट्स अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान फॉर द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग डीलिस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द एक्सचेंजेस। तो दोस्तों ऐसा आपने बहुत सारी कंपनीज के शेयर में देखा है, जो हम लोगों को बहुत सारी कंपनीज के शेयर में ऐसा देखने को मिला है जहां पे कंपनी जो है डीलिस्ट होता है, उसके बाद इन्वेस्टर जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उन लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इन द एक्सचेंज फाइलिंग अंडर प्रपोज्ड स्टेप्स to be taken by the incoming investor acquirer for achieving the minimum public shareholding. It said not acceptable since the approved resolution plan completes delisting of existing equity shares. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप से लिया गया है बहुत सारे अप्रूवल भी यहाँ पे मिला है इन लोगों को, जहां पे अभी कंपनी को जो है रिलायंस कैपिटल को जो है यहाँ पे डीलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एज पर द एनसीएलटी ऑर्डर एंड सेबी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2021 का जो रेगुलेशन था उसमें इक्विटी शेयर्स ऑफ आरसीएल विल बी डिलिस्टेड फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस। द लिक्विडेशन वैल्यू फॉर आरसीएल मतलब रिलायंस कैपिटल इक्विटी जो है उसमें दे वोंट रिसीव एनी पेमेंट और ऑफर। मतलब जिसने भी अगर आपने पैसा लगाया है रिलायंस कैपिटल में शेयर खरीदा है तो इसमें आपको कुछ पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, कुछ ऑफर वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपका जो पैसा है रिलायंस कैपिटल में लगाया शेयर अभी जीरो हो जाएगा। द एंटायर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल ऑफ आरसीएल विल बी कैंसल्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड विदाउट कंपेंसेशन। मतलब यहाँ पे कुछ जो है आपको कंपेंसेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज पर द एनसीएलटी अप्रूवल ऑर्डर IIHL जो हिंदुजा ग्रुप का है एंड ऑल द इंप्लीमेंटिंग एंटिटी अलोंग विद जो इसका बोल सकते कि विद इट्स नॉमिनी है विल बिकम द सोल शेयर होल्डर्स ऑफ RCL। तो मतलब अभी हिंदुजा ग्रुप जो है IIHL मतलब हिंदुजा ग्रुप बोल सकते हैं इसका जो है अभी सोल शेयर होल्डर्स बन जाएगा। द स्टॉक एक्सचेंजेस विल इनिशिएट डीलिस्टिंग प्रोसीजर इन कंप्लायंस विद अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान एंड रेलिवेंट रेगुलेशन इंक्लूडिंग द सेवी। तो यहाँ पे जो डी लिस्टिंग है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करके अभी यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं कि जो है रिलायंस कैपिटल को डी लिस्ट किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपने भी रिलायंस कैपिटल का शेयर खरीदा है कमेंट पे जरूर बताइए कितने में आपने खरीदा है। तो अभी यहाँ पे मतलब जो देख सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर है रिलायंस कैपिटल का विल स्टैंड डी लिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी Read with SEBI, Delist Equity Shares, Regulation 2021. ये जो liquidation value है of the equity shareholder of RCL is nil and hence equity shareholders will not be entitled to receive any payment and no offer will be made to any shareholders of RCL. दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो अपडेट है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए रिलायंस कैपिटल का डीलिस्टिंग को लेके। यहाँ पे रिलायंस कैपिटल का जो डीलिस्टिंग होगा इन लोगों ने क्लियर कर दिया है दोस्तों। अगर आपके पास शेयर है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको कुछ नहीं मिलेगा शेयर वगैरह, और यहाँ पे रिलायंस कैपिटल जो है इसको बेच के हिंदुजा ग्रुप के पास जो है फुल इसका जो फुल जो है बोल सकते कि जो सोल जो है एंटिटी है हिंदुजा ग्रुप के पास जा रहा है। द एंटायर एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल एंड यहाँ पे जो बोल सकते ऑफ आरसीएल जो है इस प्रपोज टू बी कैंसल्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड ऑफ नील जो कंसिडरेशन बाय वर्चू ऑफ द एनसीएलटी अप्रूवल ऑर्डर सच दैट IIHL एंड ऑल द इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी
एंड इट्स नॉमिनीज आर द ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर. तो अभी यहाँ पे जो हिंदुजा ग्रुप के बोल सकते कि जो हिंदुजा ग्रुप है वो यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर्स रहेगा. जो भी रिटेल शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया यहाँ पे उनको कुछ भी पैसा वगैरह भी नहीं दिया जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग विद द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान रीड विद एप्लीकेबल लॉ इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द सेबी डिलिस्टिंग रेगुलेशन 2021 एज अमेंडेड एंड शेल पास नेसेसरी ऑर्डर्स डायरेक्शंस टू दिस इफेक्ट. तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिलायंस कैपिटल के जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों ने यहाँ पे जो पैसा लगाया है उनको यहाँ पे एक बोल सकते कि जो है जो प्रॉफिट वगैरह वो तो मिला नहीं है. फिलहाल हो सकता है कि आगे चल के हिंदुजा ग्रुप रिलायंस कैपिटल को या फिर रिलायंस कैपिटल दोबारा लिस्ट करे तभी अगर आप शेयर खरीदते तो हो सकता है उसमें कुछ तेजी वगैरह बने. ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे. ऐसा जो फिलहाल अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से वो देखने को मिल रहा है कि इसका जो रिलायंस कैपिटल का जो ग्रुप है या फिर रिलायंस कैपिटल जो शेयर है उसको हटा रहा है शेयर मार्केट से. अभी यहाँ पे फाइलिंग में देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल का जो फाइलिंग है एज नोटेड दैट फाइनेंशियल 23 का टोटल एसेट जो रिलायंस कैपिटल का जो कि बोल सकते कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 12,142.14 करोड़ का है एंड अंडर द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान द कॉर्पोरेट डेप्टर रिलायंस कैपिटल का जो है इस प्रपोज टू एक्वायर ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस एंड द एसेट दैट कंटिन्यू ऑन द बुक्स ऑफ आरसीएल शैल बी अवेलेबल पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान. अब यहाँ पे फॉलोइंग गवर्नेंस जो इश्यूज है एंड पेमेंट्स है जो डिफॉल्ट किया था रिलायंस कैपिटल ने उसके बाद जो है रिलायंस कैपिटल और उसके बिजनेस को जो है क्लोज किया गया था. मतलब बहुत सारे एक तरीके से जो है बिजनेस नहीं उसके डायरेक्टर जिसको डिसऑउट किया गया था जो आरबीआई है आरबीआई की ओर से. अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है इसमें देख सकते हैं जो क्रेडिटर्स है फाइल्ड क्लेम एक्सीडिंग 38,500 करोड़ विथ 26,087 करोड़ बीइंग एडमिटेड इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड जो कि हिंदुजा ग्रुप का है प्रोजाए. डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए. रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए. हम लोग से विदेश पर नहीं है.